नमस्कार दोस्तों, जॉब पावर टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं किसी जॉब को लेकर के नहीं आया हूँ। कुछ लोगों के सवाल थे कि सर, इंडिया से जब हम कनाडा जाएंगे तो क्या हमारी इंडिया की सिम वहाँ चलेगी, क्या हमारा ये इंडियन मोबाइल वहाँ पर चलेगा। तो इससे जुड़ी सभी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहें और जॉब पावर टिप्स यूट्यूब चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि कनाडा से जुड़ी और भी दुनिया की किसी भी जॉब से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हर जानकारी आप तक समय से पहुंच जाएगी, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये जानकारी आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो फैसला आपके पास है। तो नमस्कार दोस्तों, और इस वीडियो को साथ शेयर और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि कनाडा में इंडिया की सिम चलेगी कि नहीं चलेगी। दोस्तों, कनाडा में इंडिया की सिम नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे अपने इंडिया में एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, ये एयरटेल, ये सभी नेटवर्क हैं, तो इन नेटवर्क की कवरेज वहाँ तक नहीं होती है। दोस्तों, कुछ पड़ोसी मुल्क तक ज़रूर होती है, वहाँ पर इनका रोमिंग चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों, जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके लिए क्या उचित होगा। जो सिम आप इंडिया में चला रहे हैं, यदि आप उस सिम से अपना व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो दोस्तों उस सिम को इंडिया में ही छोड़ कर जाएं। और दोस्तों, वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद आपको वहाँ पर एक नई सिम मिल जाएगी। आप अपने पासपोर्ट की जीरोक्स कॉपी आप उनको देंगे और वो आपको एक नई सिम दे देते हैं, जो कि दोस्तों कुछ ही समय बाद चालू हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों, उस सिम को आप यूज़ कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप को कन्वर्ट कर सकते हैं कनाडा के नंबर पर, और उसको आप अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बात कि इंडिया का मोबाइल दोस्तों वहाँ पर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसके लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि इंडिया का फ़ोन भी वहाँ पर चलेगा, मगर अगर इंडिया का कोई भी फ़ोन अगर आप लेकर जाते हैं, यदि वो किसी भी कारणवश ख़राब हो गया, तो दोस्तों आपका जितने का फ़ोन नहीं होगा उससे ज़्यादा तो उसकी सर्विस हो जाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो जो भी उसमें कमी आएगी उसको ठीक कराने का आपको उस मोबाइल की कीमत से ज़्यादा चुप्पे करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी लेकर जाएं, नया फ़ोन लेकर के जाएं और सैमसंग कंपनी का फ़ोन ज़रूर लेकर जाएं। दोस्तों, चाइना वगैरह, ओप्पो, वीवो, ये सब कंपनियों के फ़ोन अगर आप लेकर जाते हैं और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों इसकी कॉस्ट दोस्तों रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पर। और दोस्तों, यदि हो सके तो आप फ़ोन ले जाइए, नहीं तो दोस्तों कनाडा में सबसे अच्छा ऑफर ये चलता है दोस्तों कि जो भी आप सिम का, वहाँ पर दोस्तों सिम का एक पैक होता है दोस्तों, मंथली पैक, तो मंथली पैक वहाँ पर समथिंग $50 के आसपास में होता है। तो यदि आप $50 का एक मंथली पैक लेते हैं, एक महीने का अनलिमिटेड मंथली पैक मिलता है, और भी मतलब टर्म और कंडीशन वहाँ की हैं, अलग अलग नेटवर्क हैं, तो वो आपको, जब आप किसी भी कंपनी का सिम कार्ड और उसका पैक लेते हैं तो दोस्तों आपको उसके साथ में एक मोबाइल फ्री दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और दोस्तों, आप उसको जो सिम का जो आपने पैकेज लिया है वो सिम भी आपको साथ में मिल जाएगी, और दोस्तों आप उस फ़ोन में डाल के यूज़ कीजिए, सिम के साथ ही वो फ़ोन देते हैं दोस्तों। जी हाँ, और दोस्तों, यदि आपको फ़ोन इंडिया से नहीं ले जा पाए हैं या आपका फ़ोन ख़राब हो गया, पानी में गिर गया, टूट फट गया, तो भी दोस्तों आप वहाँ पर सेकेंड हैंड फ़ोन अच्छा खासा ले सकते हैं दोस्तों, 10-15 हज़ार रुपये में अच्छा खासा फ़ोन आपको वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों $200-$300 में बहुत अच्छा फ़ोन आपको मिल जाएगा यूज़ किया हुआ, जो कि काफ़ी बेहतर होता है दोस्तों। हमारे दोस्त जो हैं वहाँ पर, उन्होंने लिया हुआ है और उनसे ही हमारी जो है सारी बात होती है, उस पूरी जानकारी हम उन्हीं के थ्रू लेते हैं, जो कि एकदम से करेक्ट होती है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपकी और भी
कनाडा से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दोस्तों इंडिया से फ़ोन ले जाना या सिम कार्ड ले जाना समझदारी है या बेवकूफ़ी है। दोस्तों आपको एयरपोर्ट पर ही वहाँ पर सिम मिल जाती है, ये सिम आपकी वैसे भी इंडिया एयरपोर्ट जैसे छोड़ने पर आपकी सिम बंद हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों वहाँ चलेगी नहीं। तो दोस्तों इसे इंडिया में ही छोड़ कर जाएँ बेहतर यही होगा, या फिर कोई टेम्परेरी सिम ले लें जो कि एयरपोर्ट तक चल जाए जिससे आपकी आपका कॉन्टैक्ट होता रहे। बस दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।